नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा, कॉन्वर्सेशन विद विवेक शर्मा के 44th यानी 44वें एपिसोड के साथ। राजसी नाम के एक लड़के ने मुझे यूट्यूब के कमेंट में लिखा है कि सर, इंटर्न बनने के लिए क्या करना है, असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना है। तो ये एपिसोड उनके लिए है जो फिल्म जगत में आना चाहते हैं और टेक्निकल लाइन में ना डायरेक्शन के लाइन में आना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है ताकि आपको एक समझ रहे, आपके अंदर एक लॉजिकल एबिलिटी रहे। दूसरा, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, इन तीनों में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली हिंदी सिनेमा है तो हिंदी आना बहुत जरूरी है। लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों, वैसे ही इंग्लिश, वैसे ही उर्दू। ऐसा नहीं कि आपको उर्दू लिखना या पढ़ना आए, मगर कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे डायलॉग में और लिरिक्स में यानी गीतों में शामिल होते हैं, तो उनकी समझ होनी चाहिए। यहाँ पे पूरी की पूरी जो दुनिया है वो अंग्रेज़ों की औलाद है, उनको हिंदी के पहाड़े नहीं आएंगे, उनको रोमन में स्क्रिप्ट चाहिए होती है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। आज की जनरेशन, खासकर पुरानी जनरेशन जो थी, वो बहुत अच्छे से हिंदी उर्दू पढ़ लेती थी। तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, आपको हिंदी इंग्लिश उर्दू में आपका हाथ साफ होना चाहिए। दूसरा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम लोग जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कहीं पिच करते हैं तो फोटोग्राफ्स के साथ डिस्क्रिप्शंस, इन सब का सीखना, ये टेक्निकल एस्पेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि ग्रेजुएट करने की क्या ज़रूरत है, हम तो 12th के बाद भी आ सकते। नहीं, ये सिनेमा जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, ये कोई टॉम डिक एंड हैरी का फील्ड नहीं कि कोई भी आए और इसको ज्वाइन कर ले। नहीं, इसमें समझ तभी आपको चीज़ें आएंगी जब आप ठीक से पढ़ लिख कर आए हुए हैं। और आधे से ज़्यादा लोगों का स्ट्रगल इसलिए होता है क्योंकि वो बिना पढ़े लिखे आए होते हैं, बिना तैयारी के आए होते हैं। मैं अपनी वर्कशॉप में भी समझाता हूँ लोगों को कि सिनेमा जो है वो 13 डिपार्टमेंट, 13 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से मिलकर बना है। प्रोडक्शन, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, कोरियोग्राफी, मेकअप एंड हेयर। लोग इसको इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। कुछ लोग ऑफिस का काम अच्छा करते हैं, कुछ लोग फील्ड का काम अच्छा करते हैं, मगर सिनेमा में दोनों ही काम करने पड़ते हैं और आपको 24 घंटा 24 आवर्स अवेलेबल रहना पड़ता है, ऑन द टोज होना पड़ता है। मुझे याद है करीब 15 साल, अपने करियर के 15 साल में मुश्किल से 3 बार मैंने दिवाली मनाई होगी, मुश्किल से 2 बार मैंने होली मनाई होगी। आपको त्यौहार, फेस्टिवल्स, फैमिली फंक्शंस बहुत सारे छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कई गुना ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा गाली उसको पड़ती है, सबसे कम पैसे उसको मिलते हैं। लेकिन अगर आप सीख गए काम, अगर आप अच्छे तरीके से सीख गए और आपके अंदर वो आग है कि बोलने से पहले आप भाग कर गए और आपने काम किया, तो आप परमानेंट हो जाएंगे, इंडिस्पेंसिबल हो जाएंगे। कुछ लोग काम चोर होते हैं, आप उनको ऑर्डर दो तो वो आगे ऑर्डर पास कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे ट्रेनीज को चांस दिया, मगर वो आग सब में होती नहीं है तो वो काम छोड़कर चले जाते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आपको बनना है तो सबसे पहले क्रिएटिव होना ज़रूरी है, आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है कि आप उस स्थिति में अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे डायरेक्टर को असिस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर के पास तक स्ट्रेस नहीं पहुंचने दे रहे हैं, आप सीन कैसे पढ़ रहे हैं। दूसरा, जबान का सही अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे महेश भट्ट साहब हम लोग को बोलते थे सीन पढ़ो, तो हम लोग सीन पढ़ते थे तो भट्ट साहब मुझको बोलते थे फ्लैट पढ़, एक्सप्रेशन मत डाल। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं बाय नेचर बहुत एक्सप्रेसिव आदमी हूँ, मैं एक्टर आदमी हूँ, मेरी हिंदी जबान ठीक ठाक रही है, उर्दू ठीक ठाक रही है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है फ्लैट पढ़ना। तो एक असिस्टेंट का जॉब होता है कि डायरेक्टर तक किसी भी प्रकार का शूटिंग का स्ट्रेस ना पहुंचे, उसका डायरेक्टर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ग्राफिंग में रहे। और टेक्निकल नॉलेज सीखे बगैर कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रो नहीं कर सकता, कोई भी ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, कोई भी असिस्टेंट चीफ एडी नहीं बन सकता। टेक्निकल नॉलेज यानी अगर फिल्म शूट हो रही है तो 24 फ्रेम्स में होनी चाहिए, अगर वीडियो शूट हो रहा है तो 25 फ्रेम्स में होना चाहिए, साउंड की मशीन्स कौन सी होती हैं, साउंड में काम क्या होता है। तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप 2 से 3 प्रोजेक्ट बिगिनिंग टू एंड कीजिए, यानी स्क्रिप्टिंग सेशन से लेकर फिल्म के रिलीज तक कीजिए, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे कोई भी हो, मतलब जहाँ से सीड, बीज बोया गया है वहाँ से ज्वाइन कीजिए और एंड तक साथ में जुड़े रहिए, बीच से गायब मत होइए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो एटीट्यूड चाहिए होता है सिनेमा के लिए, वो होता है नेवर से नो, से यस, सर आई विल डू इट। काम छीनिए, स्नैच कीजिए, जितना आप काम करेंगे आपको उतना एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर जितना पुराना होता है डॉक्टर उतना अच्छा होता जाता है, वैसे सिनेमा में आप जितना फिजिकल लेबर करते जाएंगे ना, आपको सिनेमा उतना समझ आता जाएगा। मतलब जैसे एक बहुत सीनियर प्रोडक्शन वाले थे शशि दुबे, जो नवगेतन फिल्म में थे, उनसे मैंने एक बार पूछा था सर कौन सी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक डायरेक्टर को समझनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि सिनेमा फिल्म जो है वो 2 टेबल पर बनती है, एक राइटिंग टेबल पर और एक एडिटिंग टेबल पर। अब राइटिंग टेबल जो है पेन और पेपर लेके लिखना होता है और एडिटिंग टेबल जो है वो टेक्निकल साइड है।
जब आप इस दौर से गुजर जाते हैं, जब आप बिगिनिंग टू एंड देख लेते हैं, तब आपके लिए बहुत आसान होता है कि अरे यार ये बिगिनिंग में हमने ये मिस्टेक कर दी क्योंकि ये एडिटिंग में काम नहीं आ रहा है, या एडिटिंग में ये शॉट लंबा हो गया हम इसको छोटा कर सकते थे, या ये शॉट छोटा हो गया हम इसको लंबा कर सकते थे। ये सारी चीज़ों की समझ आप जैसे जैसे सिनेमा में फिजिकली पार्टिसिपेट करते जाएंगे, वो बोलते हैं ना हाथ से पिसी चटनी और मिक्सी से पिसी चटनी में फ़र्क होता है, तो आपको हाथ से पिसी चटनी यानी सारे काम खुद करना आना चाहिए और सारे काम खुद करना चाहिए, तब आप सिनेमा में एज एन असिस्टेंट एज ए ट्रेनी बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एजुकेशन का इस लाइन में कोई लेना देना नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए अभी इस वक्त की जनरेशन जिनको हमारे प्रधानमंत्री का या सीएम्स का नाम तक नहीं पता होता है, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस, तो आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों होनी बहुत ज़रूरी है। ज़बान पर कंट्रोल होना, लैंग्वेज में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल साइड यानी क्रिएटिव साइड और टेक्निकल साइड दोनों का बैलेंस बनाकर ही चलना पड़ेगा। बहुत आसान नहीं है, ये स्पेशलाइज फील्ड है, ऐसा नहीं है कि आप आए और आप खप गए। क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, रोज़ एक पेज लिखिए, अपने थॉट्स लिखिए, आपको समझ में आएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, आप फ्रेजिंग करेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। कई लोगों की बोलचाल की हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, यहाँ तो हालांकि सिनेमा में बहुत स्लमिश इंग्लिश चलती है, एकदम झोपड़पट्टी लेवल पे बात करते हैं, बहुत ही वाना गौना भी वाला एक अजीबो गरीब उसमें उनको लगता है बड़ा एटीट्यूड है, बट फ्रेजिंग करने की बात आती है तो वो तुरंत इंटरनेट से जाके वो फ्रेजेस निकालते हैं फिर ग्राफ करते हैं। नहीं, आपको फ्रेजिंग वगैरह बहुत सटीक तरीके से आनी चाहिए और आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ेगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है घर पे बैठिए, यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो करियर बनाना चाहते हैं, जो करियर बनाने वाले हैं, वो अभी रिलेशनशिप एक्सेट्रा में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो बिल्कुल ही घर पे बैठिए, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी पर्सनल लाइफ जो है उसका प्लान नहीं कर सकते। क्रिएटिव लाइन में एग्जिट नहीं होता है, मतलब अगर आपकी कोई मीटिंग है और आप किसी सीन स्ट्रक्चरिंग में या स्क्रिप्टिंग में बैठे हुए हैं तो उसका कोई एग्जिट टाइम नहीं होता, कोई थॉट अभी आया आया, नहीं आया नहीं आया, तो हो सकता है कि आपका एक दो घंटे का काम चार घंटा खिंच जाए, हो सकता है चार घंटे का काम छः घंटा खिंच जाए, तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनल लाइफ और वो सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। ग्रेजुएट होना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू में हाथ साफ होना चाहिए, वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स, अच्छी फिल्में देखिए तो आपका अच्छी फिल्मों का स्वाद बना रहेगा, और लगन मेहनत, नेवर टू से नो, जिसको हम बोलते हैं ना कि मुझे यश जौहर साहब ने कहा था एंटिसिपेट एंड डबल चेक, प्रोडक्शन के लिए भी और असिस्टेंट के लिए भी ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है कि एंटिसिपेट कि फला दिन बैंक बंद होने वाला है, फला जगह स्टूडियो बंद होने वाला है, और डबल चेक कि क्या वाकई में उस दिन ये बंद हो रहा है, क्या वाकई में वो काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है। दूसरा, गेट द वर्क डन। अगर मान लीजिए आपको किसी काम के लिए भेजा गया है तो आप ये नहीं बोल सकते वो दुकान का शटर बंद था, आप नहीं बोल सकते वो ट्रैफिक जैम था, करके आओ लेकर आओ, ये एटीट्यूड आप रखोगे तो जिंदगी किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में आपको हमेशा सफलता मिलेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर बनना उतना आसान नहीं है जितना लोग सोच लेते हैं, खासकर वो एक्टर्स जो अपना टाइम पास करने के लिए जुड़ जाते हैं। अच्छी बात है कि अगर आप काम सीखना चाहते हैं, सिनेमा सीखना चाहते हैं, मगर आप अगर एक्टर हैं और आप डायरेक्टर नहीं बनना चाहते हैं तो आप किसी का चांस मार रहे हैं। अगर जो लोग डायरेक्शन लाइन में ही आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन करें तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका स्वागत है, आप डेफिनेटली क्रिएटिव वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आपको जो तीन चार पॉइंट बताए हैं, आप किसी अच्छे डायरेक्टर को ज्वाइन कीजिए और स्क्रैच से शुरू से सीखिए, एकदम जहां पर स्क्रिप्ट कंसीव की जाती है से लेकर फिल्म की रिलीज तक हर डिपार्टमेंट में जुड़ी है। ऐसा नहीं कि मैं ये PPT अच्छा बना लेता हूं या मैं ऑफिस काम अच्छा कर लेता हूं, हर काम करना होता है, आर्ट डिपार्टमेंट का भी देखना होता है, कॉस्ट्यूम का भी देखना होता है, हेयर एंड मेकअप का भी देखना होता है, लोकेशंस भी देखनी होती है आपको, और कैमरा वालों के साथ टीम अप होके भी आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ती है। जितनी जल्दी आप सिनेमा को इन टोटैलिटी समझेंगे आप उतने अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे। तो होप कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा वेलकम मिले और आप बहुत अच्छा काम कर सकें। ऑल द बेस्ट विद योर न्यू जर्नी, और अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग टेक्निकल और इमोशनल बातें बताऊंगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फिल्म जोन क्रिएशंस LLP। जय हिंद।